नमस्कार, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लॉक में आगे जो हमने पढ़ लिया था उसके आगे देखेंगे। मैंने बताया था जब टाइम डिटरमिनेशन आपका मैंने खत्म किया था कॉन्सेप्ट बता के, सिर्फ मैंने वेरीफाई कराना आपको दिखाया था कि एंगल डिटरमिनेशन और जैसे जो उसी एंगल पे हम जब टाइम निकालते थे तो दोनों सेम आता था। अब कुछ मैंने बताया था चैप्टर खत्म करने से पहले आपको कि जो कुछ आपके स्पेसिफिक एंगल है जहाँ से क्वेश्चन जो थियोरेटिकली पूछता है वो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का जो ये 10+ कोर्स चल रहा है इसके पीडीएफ सब्सक्रिप्शन के प्लान जो चल रहे थे वो 3 मंथ आपके पूरे हो चुके हैं। अगर इसके बाद 15 तारीख को ये पूरा हो गया था आपका, 15 के बाद आप लोग पीडीएफ या प्रैक्टिस सेट्स या नोट्स चाहते हो जितने भी संस्था द्वारा क्लासेस चलाई जाती हैं तो आपको फिर से इस प्लान को रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसे आप परीक्षा प्लस ऐप से करा सकते हो। अगर आप रिन्यू कराते हो तभी आपको जो भी प्रैक्टिस सेट है क्लासेस के, जो भी नोट्स हैं वो तभी आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो अब लेट ना करते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में हमारे आज मेनली हम जो पढ़ रहे थे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपका इमेज जो आपके होते हैं मिरर इमेज, ठीक, और वाटर इमेज, इमेज वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है तो ये हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था एंगल निकालना, एंगल डिटरमिनेशन, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक, टाइम डिटरमिनेशन के जो कॉन्सेप्ट थे उस पर हम भी बात कर चुके हैं, एंगल और टाइम को दोनों एक साथ मैंने पढ़ाया था। ठीक, तो ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट पे बात हो गया, लेकिन कुछ टाइम डिटरमिनेशन के ऐसे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बचे हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग जो है वो डालना क्या, टाइम डिटरमिनेशन, क्योंकि ये जो पार्ट है वो टाइम डिटरमिनेशन का ही है अभी जो चल रहा है, कंटिन्यू होगा। ठीक, तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि कैसे हम टाइम डिटरमाइन कर रहे थे, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, ये लिख लो एक साइड में आप लोग जो कॉपी पेन लिए के बैठे हो कि मिनट बराबर 30H, ठीक है, प्लस माइनस आपका यहाँ क्या थीटा, जो आप थीटा था 2/11 बाहर रहेगा, ये आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हमें वो मिनट बताता है टाइम डिटरमिनेशन में। जब हमारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि इस समय के बीच में आप बताओ कि कब ये एंगल ये थीटा बनेगा, ठीक, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था और मैंने ये बताया था ये फॉर्मूला आपका कैसे निकल के आता है। हम एंगल के लिए एक फॉर्मूला देखे थे तो बस उसी का रिअरेंजमेंट होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो थीटा इक्वल टू कुछ स्पेसिफिक एंगल है उस पर बात करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि थीटा 0 डिग्री हर एक घंटे में एक बार बनता है, 180 डिग्री हर एक घंटे में एक बार बनता है, बाकी जो होते हैं 180 से कम जितने एंगल होते हैं हर घंटे में दो बार बनते हैं। तो उसी बात पर आज हम करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आपके सामने क्वेश्चन ये है सिंपल सा, वही टाइम डिटरमिनेशन का क्वेश्चन, नोट आउट करो सभी लोग कि 1 और 2 बजे के बीच में, 1 से लेके 2 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के तो क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, संपाती का मतलब ओवरलैप, इंग्लिश वाले ओवरलैप, और संपाती का मतलब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप के कंडीशन में होता है। ऐसे शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप 1 और 2 के बीच का वो समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, तो बस तुरंत आपको आना चाहिए कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था कि मिनट इक्वल टू 30H प्लस थीटा 2/11 प्लस माइनस, हमें दोनों ले देख के चलना है और हम ये जानते हैं कि हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि थीटा इक्वल टू 0 हर घंटे में एक ही बार बनता है और यहाँ इंटरवल भी एक ही घंटे का दिया है। तो देखो जब 30H हम मिनट निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 30H की जगह हम क्या रखते थे, जो स्मॉलर यूनिट होती थी, 1 और 2 के बीच में पूछा है, तो हमारा जो टाइम आएगा किसके रिस्पेक्ट में आएगा, 1 के रिस्पेक्ट में आएगा, 1 बजकर समथिंग मिनट। तो इसीलिए हम यहाँ जो 30H जो लिखा रहा था वहां पे हम स्मॉल वाला यूनिट रखते थे। 30 × 1 माइल प्लस वाला सॉल्व करें एक बार, तो थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री,
और माइनस वाला भी सॉल्व करेंगे तो सेम चीज होगा, चाहे किसी चीज से प्लस करो, जीरो प्लस करो किसी में या जीरो माइनस करो, बात तो वही है। तो हम कोई एक सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर वही आने वाला है। तो हम इसी पे सॉल्व कर लें, 2/11 यहां बाहर लिख दें तो यहां आ जाएगा 30 × 60/11, ठीक है, 60/11। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 30 यहां हो गया, 30 × 60, 60/11 को हम जब यहां पे करेंगे तो 11 × 5 = 55, यहां आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 × 5/11 क्या होगा, ये टोटल मिनट होगा, ठीक। तो हम कह देंगे हमारा आंसर आएगा 1 × 5 = 5/11 मिनट पे। ये पूरा कैलकुलेशन पे है आपका, ये पूरा मैथमेटिकल है, रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और कुछ कॉन्सेप्ट और हैं वो जो मैं बता दूंगा, आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसीलिए मैथ्स में आपके मैक्सिमम ये पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो 1 × 5 ठीक 5 मिनट जो है आपके 11 मिनट होंगे ये। अब मेनली अब ये तो आ गया आपका एक टाइम आ गया कि इसमें जब दोनों सुइयां आपके क्या होंगी, संपाती की स्थिति में होंगी, ठीक है। अब इसी से आपका क्वेश्चन बनता है, नोट करिएगा सिंपल सा, कि आपका जो ये 0° वाला है थीटा इक्वल टू 0°, तो आपसे पूछता है कि 12 घंटे में कितनी बार, ठीक है, दोनों सुइयां एक दूसरे की संपाती के स्थिति में होंगी, ठीक। क्वेश्चन आपसे बनता है ये कि 12 घंटे में कब दोनों कितनी बार, ठीक है, दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती स्थिति में होंगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब ये डायग्राम देखिए मैं बना रहा हूं, ये आपका क्लॉक है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब 0° का है, 0° मतलब संपाती, मतलब आपका होता है एक पे पूरा ओवरलैप करना दोनों सुइयां। तो जब देखो 1 और 2 के बीच में कब आपकी दोनों सुइयां कितने ओवरलैप करती हैं, 1 × 5 = 5/11 मिनट पे करती हैं। तो यहां आपका 1 × 5 = 5/11 मिनट कुछ ऐसे आएंगे, दोनों ओवरलैप रहेंगी, ठीक, यहीं पे कहीं आपकी दोनों सुइयां ओवरलैप कंडीशन पे रहेंगी, मिनट और आवर एंड दोनों ओवरलैप रहेगा। ऐसे ही अगले घंटे में हमारा यहां दोनों सुइयां ओवरलैप रहेंगी 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां रहेंगी, फिर यहां पे दोनों सुइयां रहेंगी, फिर यहां पे, ऐसे हर एक घंटे के बीच में आपके दोनों सुइयां कहीं ना कहीं मिलेंगी एक तरह से, ठीक, दोनों का मुलाकात कहीं ना कहीं होगा। लेकिन जब हम 11 और 12 के बीच में आएंगे, 11 से 1 के बीच वाला जो ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, 11 से 1 के बीच वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें क्या कितनी बार जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ मिलेंगी, क्योंकि यहां पे इसका रीजन ये आपका आंसर देगा क्या, जब मैंने बताया था आपको कल कि हर घंटे में, ठीक है, 0° चाहे 180° एक बार मिलता है, तो 12 घंटे में आप कहोगे 12 बार मिलेगा सर, हर घंटे में एक टाइम से ये 0° या 180° मिलता है, तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए। लेकिन ये 12 बार नहीं मिलता है, 12 times नहीं मिलता, ये 11 times मिलता है, ठीक है। आपका पूरे 12 घंटे में ये सिर्फ कितनी बार मिलता है, 11 times मिलता है। तो कम कहां हो गया जब हर एक घंटे में, कम वहां हो गया क्योंकि यहां देखो 1 और 2 के बीच में सुइयां कम मिली, 1 × 5 = 5/11 मिनट में, मतलब कुछ इनके और इनके बीच में। वैसे जब 2 और 3 के बीच में मिलेंगी दोनों सुइयां, फिर 3 और 4 के, तो ऐसे करते समय जब हम 11 से 12 के बीच में जाएंगे तो हमारी सुइयां 11 से 12 के बीच में सिर्फ कहां पे मिलेंगी, सीधे करेक्ट 12 बजे मिलेंगी। कहां मिलेंगी, जब आपका 12 ओ क्लॉक होगा तभी दोनों सुइयां मिलेंगी, 11 और 12 के बीच में और कहीं नहीं मिलेंगी ये, ठीक, ना ही 12 और 1 के बीच में ये कहीं मिलेंगे, सीधे ये 12 बजेगा जब, तभी आपका क्या होगा, एक बार मिलेगा। तो यहां से एक कम हो गया ना, 11 से 1 हम देखें तो यहां 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन हमें जो है दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपाती सिर्फ एक बार मिल रहा है, तो यहां से एक कम हो गया हमारा, ठीक है। तो एक यहां से ही हमारा कम हो जाता है, इसीलिए 12 नहीं आकर हमारा क्या आता है, 11 आता है, अगर आपको विश्वास ना हो, ठीक है, तो आप लोग सुबह के जब 11 से 1 के बीच में,
घड़ी लेकर बैठ जाना और देखना कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाति हो रही हैं। टाइम तो जाएगा मगर देख लेना, ये होता है 11 से 12 के बीच में कहीं नहीं मिलेंगी दोनों सुइयां। सीधे करेक्ट जब 12 बजेगा तभी दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाति होंगी और ना ही 12 से 1 बीच में। तो इसीलिए इस 2 घंटे में सिर्फ एक बार सुई मिलती है, वो कब मिलती है? 12 बजे मिलती है। इसीलिए 12 घंटे में सिर्फ 11 बार आपके क्या होते हैं? 0 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे कि बताइए कि हर घंटे आपका जो है जो मिनट और घंटे की सुई है वो कितनी बार, 24 घंटे हम पूछ ले, 12 घंटे हम पूछ ले, 48 घंटे हम पूछ ले, 72 घंटे हम पूछ ले, आपसे कोई भी टाइम ड्यूरेशन ले सकता है कि कितनी बार संपाति की स्थिति में आएंगे, टाइम्स आपसे पूछेगा। तो अगर 12 घंटे में पूछा तो 11 बार, 24 घंटे में पूछा तो बस कुछ नहीं करना है आपका, घड़ी तो आप जानते हो सिर्फ 12 तक की ही नंबरिंग होती, तो फिर से वही रिपीट होगा उसमें। ठीक, तो फिर से यहीं से एक छूटेगा। ठीक, इसका मतलब कि 11 का डबल कर दे तो 11 दुनी क्या हो जाएगा आपका? 22 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाति की स्थिति में होंगी। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इससे क्या पूछता है बच्चों, देखो ध्यान से एकदम सुनना, क्वेश्चन है, नोट आउट करो, क्वेश्चन है 1 PM से लेकर, ठीक है, 1 PM से लेकर शाम के 6 PM तक कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे की संपाति की स्थिति में होंगी। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 1 PM से लेकर 6 PM तक कितनी बार दोनों सुइयां थीटा इक्वल टू 0 बनाएंगी। दूसरा क्वेश्चन मैं बता पूछ आ रहा हूं आपसे कि सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 9 AM से लेकर 2 PM तक, ठीक है, 2 PM तक आपकी दोनों सुइयां कितनी बार संपाति की स्थिति में होंगी, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, कितनी बार होगा वो हमें टाइम्स बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन नोट कर लिए, 1 PM से लेकर 6 PM तक कितनी बार दोनों सुइयां संपाति की स्थिति में होंगी, इसका कमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 9 AM से लेकर, सुबह के 9 AM से लेकर 2 PM तक कितनी बार जो है आपकी 0 डिग्री बनेगा। ठीक, कमेंट आ गया जिसका, तो ठीक है, अब जिसका नहीं आया वो देख लो एक बार। देखो बच्चों, जिस मैंने एक बताया कि आपका 1 PM से 6 PM आपका टाइम कहाँ छूटता है, हर एक घंटे में तो मिल रहा है, मेनली हमारा जहां आपको टाइम आ जाए 12 वाला, वहां समझ लो एक जो है, जहां 12 इंक्लूड हो वहां समझ लो आपका क्या होगा, एक जो है आपका एक टाइम छूट जाएगा। तो जहां 12 इंक्लूड हो, जहां 12 आपका सम्मिलित हो जिस टाइम ड्यूरेशन में, तो समझ लो वहां एक कम बनेगा। ठीक, जितने घंटे होंगे उससे क्या होगा, एक कम बनेगा, वो 12 वाला वहां आपसे छोड़ने के लिए कहेगा। तो देखो, 1 से लेकर 6 PM तक, 1 PM से लेकर 6 PM तक क्या इसमें 12 आएगा क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 का तो कहीं आ नहीं रहा इसके बीच में। तो इसका मतलब जितने घंटे होंगे उतनी बार आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा। ये ध्यान रखो, जब आपका 12 कहीं आएगा तभी आपका एक घंटा कम होगा, एक बार कम होगा, घंटा नहीं, 1 times आपका 0 डिग्री मिलना कम हो जाएगा। ठीक, तो 1 से लेकर 6 बजे तक कितने घंटे होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए। ठीक, पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आपका 5 घंटा। 1 से लेकर 6 तक कितने घंटे हो गए? 6 - 1 करोगे 5 घंटे हो गए, तो 5 आवर हो गए। तो हर एक घंटे में एक बार मिलता है 0 डिग्री, तो आपके 5 घंटे में कितनी बार मिलेगा? 5 बार मिलेगा। ठीक, तो यहां आंसर होगा 5 times आपके 0 डिग्री, 5 times आपके जो है दोनों सुइयां संपाति की स्थिति में होंगी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 9 AM से लेकर 2 PM तक कब दोनों सुइयां संपाति की स्थिति में होगी। तो ये देखो कि 9 से कहां तक पूछ रहा है? 2 बजे तक पूछ रहा है आपसे। कितने घंटे हैं इसमें? 1, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। 9 में से 2 आपका यहां से पूरा, यहां से 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2, 11 से 12 3, 12 से 1 4 और 1 से 2 5 घंटा। तो यहां भी आपके कितना है? 5 आवर है। तो आप कहोगे सर 5 आवर में हर एक आवर में एक बार, तो 5 आवर में 5 times होगा? नहीं, 5 times नहीं होगा, क्योंकि 9 AM से लेकर 2 PM तक आपका कौन आ जा रहा है इसके बीच में? 1 12 आ जा रहा है।
जहां पे हमें 2 घंटे में सिर्फ एक बार संपाति की स्थिति मिलती है, इसीलिए यहां जब 5 घंटा है तो यहां एक हम कम कर देंगे, तो यहां हमें 0 जो है थीटा इक्वल टू 0 से 4 टाइम्स मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? 4 टाइम्स मिलेगा। तो सिंपल सा और शॉर्ट फॉर्म में कहने का यह मतलब है कि आपका जिस टाइम ड्यूरेशन में अगर 12 आ जाता है, इंक्लूड होता है, वहां आपको टोटल आवर में से एक जो है आपका क्या करना है, कम कर देना है, उतनी बार आपका क्या होगा, 0 डिग्री उतने घंटे में मिलेगा। अगर आपका उस टाइम ड्यूरेशन में 12 o'clock नहीं आता है तो आप क्या करोगे, जितने घंटे हैं उतनी बार आपको 0 डिग्री मिलेगा। बस ये बात याद रखना, नोट कर लेना पेन और कॉपी पे। अगला है नेक्स्ट, अभी हम 0 डिग्री पे बात किए हैं तो अब स्पेशल एंगल आपका किस पे बात करें, 180 डिग्री पे बात करते हैं। इसे भी मैं कहता हूं कि हर एक घंटे में ये 1 टाइम्स मिलता है, तो 12 घंटे में ये कितने बार मिलेगा, तो ये 12 घंटे में बच्चों 11 बार ही ये भी मिलेगा। अब ठीक, ये नहीं कि 12 बार मिलेगा, वो कहां एक बार छूटेगा मैं आपको बताऊंगा। और 24 घंटे में ये कितनी बार मिलेगा, 22 टाइम्स मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आता है, आपसे पूछता है कि आप बताइए कि 0 180 डिग्री, ठीक है, 180 अंश का कोण दोनों सुइयों के बीच में 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होंगी। विपरीत स्थिति मतलब आपका क्या हो जाएगा, घंटे की सुई अगर इधर है तो मिनट वाली सुई इधर होनी चाहिए, तभी तो विपरीत होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो शब्दों में ये सिर्फ पूछता है कि कितनी बार, ठीक है, दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत में होंगी 12 घंटे में, 24 घंटे में, कुछ भी पूछ सकता है कि 12 घंटे में कितनी बार आपकी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये आपको मैं बता दिया, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ये रट मारो। और वो कहां ये कम होता है वो ध्यान रखो, क्योंकि जब कभी टाइम ड्यूरेशन के फ्रैक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन, तब आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा किस ड्यूरेशन पे होता है। तो बच्चों जो ये 6 बजता है ना, ये 3, ये 6, ये 9 है, तो जब 6 o'clock होता है तो घंटे वाली सुई 6 पे होती है और ये 12 पे होती है, तो ये अपोजिट होते हैं दोनों। तो 6 देखो, 6 7, ये 5 6 7 के बीच में, 5 से 6 6 से 7, 2 घंटे होते हैं, लेकिन इस 2 घंटे में हमें 2 बार 180 डिग्री मिलना चाहिए, मतलब एक बार 5 से 6 के बीच में मिलना चाहिए, एक बार 6 से 7 के बीच में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें डायरेक्ट 6 o'clock पे एक ही टाइम्स हमें 180 डिग्री मिलता है। और इस 2 घंटे में हमारा एक कम हो जाता है, इस ड्यूरेशन में 5 से 7 के बीच में सिर्फ 6 o'clock पे हमें 180 डिग्री मिलता है, तो एक यहां कम हो जाता है। तो जब भी आपके पास ऐसा हो स्थिति कि आपका 6 जो हो शामिल हो किसी में, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन आपका जिसमें शामिल हो, तो वहां क्या करेंगे, हम एक लेस कर देंगे, घंटे जितने हम घंटे जोड़ेंगे वहां से कम कर देंगे। जैसे क्वेश्चन ये है आपसे पूछ रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर, ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, 10 AM से लेकर, ठीक है, कहां तक, 3 PM तक कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होंगी, ये आपको बता करना है। ठीक है, तो देखो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक कितना आपका ड्यूरेशन हो जाएगा, देख लो टाइम का, एक का 1 आवर, 2 आवर, 3 4 5, कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। ठीक है, 5 घंटा हो गया यहां पर, तो क्या इस 5 घंटे में वो टाइम इंक्लूड है जहां पर हमें सिर्फ एक बार 180 डिग्री मिलता है, वो कौन सा टाइम है, 5 से 7 के बीच में सिर्फ 6 o'clock ऐसा है। अगर 6 o'clock इसमें शामिल नहीं है तो समझ लो हमें पास जितना आवर है उतनी बार 180 डिग्री मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 5 टाइम्स मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे सामने ये होता कि बच्चों बताओ 3 PM से लेकर रात के 9 PM तक कितनी बार दोनों सुइयां 180 डिग्री के, ठीक है, अंश के अंतराल में होंगी, डिफरेंस होगा उनके बीच में दोनों सुइयों के,
तो वो कब होगा? 3 बजे से देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। 3 से 9 आपके कितने घंटे आए? 6 घंटे आए। ठीक, अब इस 6 आवर आए तो हम ये नहीं कह सकते इसमें कि 6 टाइम्स हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमारा 6 o'clock जो 6 बज रहा है, जहां पे हमें सिर्फ एक बार मिलेगा, ठीक, इस और इस इंटरवल में, वो हमारा इंक्लूडेड है। इसलिए जो आपका जितना आवर आएगा उससे 1 माइनस कर देंगे तो उतनी बार हमें 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 PM से लेकर 9 PM तक हमारे 180, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 5 बार होंगी, ना कि 6 बार होंगे। ये ध्यान रखना कि जहां ये इंटरवल काउंट हो जाएगा वहां हम 1 कम कर देंगे, क्योंकि 5 से 7 के बीच में 2 घंटे होते हैं और हमें मिलने चाहिए थे 2, लेकिन मिलता कितना है? 1, इसीलिए 1 यहाँ कम हो जाता है। तो जहां ये इंटरवल आपका शामिल हो वहां हमें घंटे जोड़कर, अगर ये इंटरवल शामिल है तो उसमें से माइनस कर देना, अगर ये इंटरवल नहीं शामिल है तो आपको क्या करना है? जितने आवर होंगे उतनी बार आपकी वो स्थिति मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला हमारा जो है, ठीक, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट वाला कि अब आ जाते हैं 90 डिग्री पर, बात कर लेते हैं आपका जो स्पेसिफिक एंगल है 90 डिग्री पे बात कर लें। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि आप बताइए कि 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण के स्थिति में होंगी। ठीक, तो समकोण की स्थिति में जब पूछे तो समझ लो परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो यहां ध्यान रखो बच्चों, एक घंटे में जितने भी 90 से आपके मतलब 180 से कम एंगल होते हैं 2 बार बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपका वो छूटता होगा। मगर 90 का केस मैं सिर्फ लेके बता रहा हूं क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकली पूछता है। ठीक, तो एक घंटे में ये 2 बार मिलता है, 2 टाइम्स मिलता है, तो कहने का मतलब ये है कि 12 घंटे में ये कितनी बार मिलना चाहिए था? 24 बार मिलना चाहिए था, लेकिन हमें ये 22 बार सिर्फ मिलता है। और तब 24 घंटे में कितनी बार मिलता है भाई? तो 24 घंटे में ये 44 बार मिलता है। ठीक, तो ये नोट आउट कर लो। ठीक, 90 डिग्री मतलब दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में टोटल 12 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार होंगी, और 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 44 बार होंगी, और हर घंटे में 2 बार समकोण की स्थिति दोनों सुइयों के बीच में मिलता है। अब ये कम कहां होता है ये बताओ, 90 डिग्री कब कब आपके घड़ी में ऐसा लगता है आपको साफ साफ दिखता है? एक तो 3 बजे, एक तो 9 बजे डायरेक्ट आप देखते हो, देखो ये घड़ी है 12, 3, 6, 9। ठीक, जब 9 बजेगा तब आपको ये 90 डिग्री मिलेगा, और जब आपकी घड़ी में 3 बजेगा तब भी आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, जब 3 बजेगा तब भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो बच्चों क्या होता है कि ये 3 बजे वाला टाइम और 9 बजे वाला टाइम, ठीक है, मतलब यहां से अगर हम देखें 8 से लेकर 10 के बीच में आपके 2 घंटे होते हैं। ठीक, 8 से 10 के बीच में 2 घंटे होते हैं, तो हमारे कहने का मतलब हर घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार मिलना चाहिए, लेकिन इस 2 घंटे में हमें 4 बार ना मिलकर कितनी बार मिलता है? सिर्फ हमें 3 बार 90 डिग्री मिलता है। ठीक, एक तो आपका 2 बार यहां मिला, एक यहां पर मिल जाए, एक बार यहां सिंगल मिलेगा, एक यहां मिल जाएगा, और एक इनके बीच में कहीं मिलेगा, 9 और 10 के बीच में मिलेगा 90 डिग्री। ठीक, तो टोटल हमें 3 बार सिर्फ इस 8 से लेकर 10 के इंटरवल में हमें 3 बार 90 डिग्री मिलता है। ऐसे यहाँ पे 2 से लेकर 4 के बीच में हम बात करें तो यहाँ पे आपका 2 घंटे का इंटरवल होता है, मिलना चाहिए था 4 बार लेकिन हमें मिलता है 3 बार। क्यों? क्योंकि 1 बार डायरेक्ट इस 3 पर मिलता है। ठीक, तो जहां ये इंटरवल शामिल हो समझ लो वहां क्या करना है आपको? 1 कम कर। चलिए, तो क्वेश्चन इसी पर देख लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे उसमें मैंने कराया था कि आपको बताना है यहां से है कि सुबह 9 बजे से, ठीक, सुबह 9 PM से, 9 नहीं लिख लो, 8 PM से, 8 PM से जो है रात के 8 PM से लेकर, ठीक है, और 12 PM तक, 8 PM से लेके 12 PM तक, 12 AM हो जाएगा आपका, ठीक, 12 AM तक
आपको बताना है कि कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण की स्थिति में होंगी। 8 PM से लेकर 12 AM तक आपको बताना है कि कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगी दोनों सुइयां। तो यहां 8 से लेकर 12 कितने घंटे हुए बच्चों? 1, 2, 3, 4 घंटा हुआ, 4 आवर हुआ। हम जानते हैं हर एक घंटे में 90 डिग्री दो बार मिलता है, तो 4 × 2 = 8 कर दें तो हमें क्या 8 बार मिलेगा? 8 times? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका इसी में 9 वाला जो है, 9 o'clock जो है आपका शामिल है, तो इसके वजह से आपका 1 जो है क्या हो जाएगा, 1 छूट जाएगा। क्योंकि यहां से 8 से 10 की बात करें हमें, तो यहां मिलना चाहिए था 4, लेकिन मिलेगा क्या? सिर्फ 3 बार, तो 1 कम हो रहा है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो जो आपका आया यहां पे कि 8 बार होना चाहिए था, लेकिन ये 8 times ना होकर क्या होगा, इस टोटल में हमारा 1 कम होगा, तो यहां हम 1 कम कर देंगे, तो 8 ना होकर यहां कितनी बार मिलेगा? 7 बार मिलेगा, 7 times मिलेगा। इसीलिए जो एक बार 9 पर छूटता है, मतलब 8 से 10 के इंटरवल में 3 बार मिलता है, तो 1 यहां छूट जाता है, और 2 से 4 के इंटरवल में हमें 3 बार मिलता है, तो 1 यहां छूट जाता है, मिलना चाहिए था 4, तो वही जो 2 कम हो जाता है, तो हमारा हम बोलते हैं कि 12 घंटे में 22 बार मिला, ठीक, 24 ना मिलके 22 बार मिलता है। उसी तरह यहां पर जब हम 8 PM से 12 PM की बात कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में 8 से 12 के बीच में हमारा पूरा का पूरा 9, 8 से 10 वाला जो ड्यूरेशन है वो जा रहा है, जहां पे हमें सिर्फ 3 ही बार जो है 90 डिग्री मिलेगा, बाकी आपके जो घंटे होंगे उसमें आपके 2-2 बार मिलेंगे, ठीक। तो इसीलिए 4 आवर हुआ, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 आवर हुआ हर घंटे में 2 बार, तो 8 times। सिर्फ हमें 1 जो है कहाँ कम होता है, वो 9 o'clock पे कम होता है, तो उस वाले को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 7 times आ जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन नोट कर लो कि 1 PM से लेकर, 1 PM से लेकर ठीक है 5 PM तक, 6 PM तक कर लो इसे, 6 PM तक कितनी बार दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में होंगी, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कितनी बार होगा। 1 पीएम से लेकर 6 पीएम तक जाओगे, तो देखो 1 पीएम से आपका 1, ठीक है, यहां से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, टोटल आपका 6 पीएम तक जाना है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर और ये 5 आवर, टोटल 5 घंटे होंगे, ठीक। तो 5 घंटे होंगे यहां पे, 5 आवर होगा, हर घंटे में 2 बार मिलता है, तो 10 times हम बोलेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम 10 times आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले चेक क्या करेंगे कि इस इंटरवल में क्या 3 और 9 शामिल है क्या। देखें, हाँ 1 PM से लेकर 6 PM तक, तो इसमें 3 PM तो आपका शामिल होगा ना, इसलिए यहाँ 1 कम हो जाएगा जितना आपका आएगा, तो यहाँ से 1 कम कर देंगे, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर क्या, 9 times, मतलब 9 बार हमें ऐसी स्थिति मिलेगी जहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका 2 बजे से लेकर, क्वेश्चन है 2 PM से लेकर रात के 11 PM तक, रात के 11 PM तक कितनी बार थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की कंडीशन आएगी, कितने टाइम्स आएगा, तो आप देख लो ये 7, 8, 10, 11, ठीक। कितने बजे से बोला आपसे? 2 PM से बोला है, तो आपका 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने घंटे हुए? 9 घंटे हुए। कब से बोला है? 11 से 2, ठीक, तो 9, 10, 11, ठीक, तो आपके 9 आवर हुए टोटल। तो हर घंटे में 2 बार, तो कितनी बार कर दोगे? 9 × 2 = 18 बार, क्या 18 times होगा? नहीं, हमें चेक क्या करना है कि इस इंटरवल में कौन कौन आया है, क्या इस इंटरवल में 3 और 9 आया है कि नहीं आया है, इनमें से कौन आया, जो आया होगा उसे हम बाहर कर देंगे। देख लें, 2 PM से 11 PM के बीच में हमारा इसमें 3 PM भी आ गया, और कौन आ गया, 9 PM भी आ गया, ठीक, 3 PM भी आ गया और 9 PM भी आ गया, इसका मतलब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 18 में से, तो 18 में से 2 माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे 16 times, मतलब कि आपका 2 PM से लेकर 11 PM तक दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में 16 बार होंगी, ना कि 18 बार होंगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन करते समय आप टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना कि आपके टाइम ड्यूरेशन में 3 और 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जितने घंटे आप निकालोगे उसका डबल कर लेना, और फिर देखना, चेक करना कि उस टाइम ड्यूरेशन में आपका 3 और 9 है कि नहीं, है
अगर तीन है, एक टाइम है तो एक माइनस कर देना, अगर दोनों टाइम इंक्लूडेड है तो दो बार उसमें से माइनस कर देना, जैसे इस वाले केस में हुआ है। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक जो हैं एंगल के कंडीशन रहे हैं कि वो कितनी बार आपके दिन में मिलते हैं, कितने टाइम्स मिलते हैं, तो इस पर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद से हमारा जो सेशन होगा अगला जो हमारा सेशन होगा वो किस पे होगा, एरर पे होगा, क्लॉक के एरर पे, कि क्लॉक में जो एरर आ जाता है कभी स्लो हो जाता है कभी फास्ट हो जाता है, तो उस पे हम अगला सेशन लेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन तो उतने नहीं पूछे जाते हैं, अभी रिसेंट में कहीं उसमें देखा नहीं गया एग्जामों में कि इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना, इसलिए मैं उसे भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको क्या करना है ए से लेकर जेड तक पढ़ना है, ठीक, कि आप इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ लो, कि आपको कहीं से भी आए कोई भी क्वेश्चन आए तो छोड़ के एग्जाम में नहीं आना है। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे क्लॉक के एरर पे। तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दो।